हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11 बायोलॉजी वॉल्यूम 3। इन दिस वॉल्यूम वी विल लर्न अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा एंड दिस सिलेंट्रेटा इज कॉमनली कॉल्ड एंड सिलेंट्रेट्स एज वेल एज नाइडीरियंस आल्सो। इट इंक्लूड्स नियर अबाउट 99,000 स्पीसीज एंड दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ये ज़्यादातर जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक होते हैं, बट उसमें भी जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मरीन। ज़्यादातर उसमें मरीन होते हैं, मरीन वाटर यानी सॉल्टी वाटर में रहते हैं, बट फ्यू आर प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर। कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। दे आर सेसिल एंड और फ्री स्विमिंग। ये जो होते हैं ये सिलेंट्रेट और नाइडीरियंस जो होते हैं सेसिल हो सकते हैं। सेसिल मीन्स होता है द एनिमल अटैच डायरेक्टली बाय इट्स बेस विदाउट स्टॉक। ये एनिमल जो होते हैं अपने बेस से डायरेक्टली बिना किसी स्टॉक के अटैच होते हैं, तो ऐसे एनिमल को सेसिल कहा जाता है। ओके, सो नाइडीरियंस आर मे बी सेसिल और मे बी फ्री लिविंग एंड दे एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है टिश्यू लेवल की होती है। दे आर ए सीलोमेट एंड रेडियली सिमेट्रिकल। ये जो होते हैं सिलेंट्रेट्स ए सीलोमेट होते हैं, यानी इनकी बॉडी में सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है। बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है वो रेडियल सिमेट्रिकल कल होता है। देयर बॉडी वॉल इज डिप्लोब्लास्टिक। इनकी बॉडी वॉल जो होती है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, मींस ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट। सिर्फ आउटर और इनर लेयर इसमें प्रेजेंट होता है, मिडिल लेयर जो मीजोडर्म होता है वो एब्सेंट होता है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और इसमें जो होती हैं सेंट्रल वैस्कुलर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एंड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम ओपन थ्रू अ माउथ। इनके माउथ को हाइपोस्टोम भी बोलते हैं। इन देयर बॉडी एनस इज एब्सेंट एंड देयर बॉडी कैविटी डज बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेशन ऑफ फूड। इनके जो बॉडी कैविटी होती है ये बॉडी कैविटी जो होते हैं डाइजेशन और फूड का डाइजेशन भी करते हैं और फूड का सर्कुलेशन भी करते हैं। देयर डाइजेशन में भी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इनके जो डाइजेशन होते हैं विद इन वन सेल भी हो सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं। एंड देयर माउथ इज सराउंडेड बाई मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटेकल्स। इनके माउथ जो होते हैं बहुत सारे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर से घिरे हुए होते हैं, उन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को टेंटेकल्स कहा जाता है। दीज टेंटेकल्स हेल्प टू कैप्चर द फूड एंड डिफेंस। ये फूड कैप्चरिंग और डिफेंस में हेल्प करते हैं। सर्टेन एंडोडर्मल सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू स्टिंगिंग सेल आर नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। ये नाइडीरियंस जो होते हैं इन नाइडीरियन में कुछ एक्टोडर्मल सेल यानी एक्टोडर्म जो होता है उसके सेल जो होता है मॉडिफाई होके चेंज होके स्टिंगिंग सेल। स्टिंग मीन्स होता है जैसे कि हनी बी में होता है स्टिंग, यानी कि जिससे वो डंक मारते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टिंगिंग सेल या स्टिंगिंग कैप्सूल में चेंज हो जाते हैं। और दीज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स, इनमें जो ये स्टिंग होता है नाइडोब्लास्ट्स या नाइडोसाइट्स इनको बोला जाता है। दिस पॉजेस पॉइजनस फूड। इसमें जो होते हैं पॉइजनस फूड जो होते हैं, ये जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं स्टिंगिंग सेल में जो होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं उनको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। और निमेटोसिस्ट जो होते हैं उनमें जो होते हैं पॉइजनस फ्लूड प्रेजेंट होते हैं। दिस फाइलम इंक्लूड टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंडिविजुअल। ये जो होते हैं दो
डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल इनमें होते हैं, एक होता है पॉलिप और एक होता है मेडूसा। ठीक है, तो पॉलिप इज सेडेंट्री, मींस मोस्टली दे आर सिटिंग विद अ ट्यूबुलर ट्यूब लाइक बॉडी स्ट्रक्चर एंड माउथ इज सराउंडेड बाय अ सर्कलेट और ऑफ टेंटेकल्स। इनके जो माउथ होते हैं टेंटेकल्स से पूरे जो होते हैं सर्कल में चारों तरफ कवर होते हैं। इट रिप्रेजेंट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज। ये जो होते हैं पॉलिप स्टेज जो होते हैं ये नाइडीरियंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज जो होता है वो प्रेजेंट करता है, जैसे कि हाइड्रा। एंड मेडुसा इज द फ्री फ्लोटिंग विद अ सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट वेल लाइक और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। मेडुसा जो होता है वो क्या होता है कि सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बेल शेप का होता है और वो जो होता है फ्लोट करता हुआ रहता है। बेल शेप का भी होता है, अम्ब्रेला शेप भी बोल सकते हैं, यू शेप का होता है। ठीक है, एंड माउथ ऑफ द सेंटर ऑफ कॉन्केव सरफेस विच इज डायरेक्टली डाउनवर्ड। इनका जो माउथ होता है वो कॉन्केव पोर्शन में यानी नीचे के पोर्शन में जो होता है वो सेंटर में बीच में होता है। और मेडुसा शोज द सेक्सुअल स्टेज ऑफ नाइडीरियन। मेडुसा जो होते हैं वो नाइडीरियन के सेक्सुअल स्टेज को शो करते हैं। इन हाइड्रा मेडुसा स्टेज इज एब्सेंट। हाइड्रा में जो होता है वो पॉलिप स्टेज होता है, इसीलिए हाइड्रा में क्या होता है मेडुसा जो होते हैं स्टेज वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये जो पॉलिप स्टेज होता है इसी में इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नाइडीरियंस कैन रिप्रोड्यूस थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द बडिंग और इन पॉलिप। इनमें जो पॉलिप होते हैं उनमें बडिंग होती है और बडिंग के थ्रू ये जो होते हैं मेडुसा को निकलते हैं इसमें से। ठीक है, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडुसा लिबरेट्स गैमेट्स इनटू वाटर। मेडुसा जो होते हैं उनसे जो होते हैं मेल फीमेल गैमेट जो होते हैं वो वाटर में निकलते हैं और वाटर में निकलने के बाद फर्टिलाइजेशन होते हैं एंड द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जायगोट। जो फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है एंड दिस जायगोट डेवलप्स इन अ लार्वा। यही जो होते हैं लार्वा में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट द लार्वा ऑफ नाइडीरियंस आर सिलिएटेड एंड फ्री स्विमिंग। इन लार्वा जो होते हैं इसमें सिलिएटेड होते हैं, सीलिया फॉर्म में होते हैं, मतलब उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है और सीलिया होता है तो उसकी वजह से ही ये मूव कर लेते हैं। ठीक है, और सीलिया के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये फ्री लिविंग होते हैं। एंड द लार्वा इज कॉल्ड द प्लैन्यूला। इनका लार्वा जो होता है वो प्लैन्यूला कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सम सिलेंट्रेट्स आर हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरेलिया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाइडीरियंस और सिलेंट्रेट्स। नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वॉल्यूम। थैंक यू।